लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर अखरी बाईपास चौराहा वाराणसी। वाराणसी में मंगलवार को कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 15 मरीजों को छुट्टी मिली, वहीं अस्पताल से 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 82,199 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 81,270 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 156 है। काशी के एक युवा ने समाज सेवा शुरू की तो लोगों की दुआएं उनके साथ होती चली गई। इन दुआओं का असर अब हो चला है और वह युवक बिहार में नायब तहसीलदार के पद के लिए चयनित भी हो चुका है। बेलूपुर क्षेत्र के खोजवा इलाके के हार्डवेयर व्यापारी राजकुमार सेठ के पुत्र नितेश कुमार सेठ का चयन 6 जून को जारी हुए बिहार पीसीएस रिजल्ट में नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। नितेश इस समय वाराणसी में ही है और लोगों की ट्विटर और फेसबुक पर आने वाली मदद की गुहार पर हर संभव मदद भी कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग व्यक्ति को अपना ए पॉजिटिव ब्लड देकर उनकी जान बचाई, जिसके बाद लोग नितेश की काफी सराहना कर रहे हैं। शासन से मिले निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक पद पर तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कुष्ठ अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा सोमवार से स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी सेवा देखने का कार्य शुरू किया गया। पिछले कुछ दिनों से मॉनसून की दस्तक के बाद मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही बरसात ने गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की शुरुआत कर दी थी। सोमवार तक जहां गंगा का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ता हुआ आंका गया था, तो वहीं मंगलवार को केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का पानी घटने लगा है। उधर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिले के उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी 30 जून के पहले गंगा, वरुणा और गोमती के किनारे के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी जाए। जो भी लोग इन प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, उनके सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की जाए। रामनगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले कोदोपुर वार्ड में स्थानीय लोगों ने कोयला डिपो हटवाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मौके पर दरी बिछाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे एसीपी कोतवाली प्रवीण सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर धरना समाप्त करवाया। स्थानीय लोगों ने इस दौरान कोयला व्यवसायी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कैंट विधानसभा क्षेत्र के कोदोपुर में खुले कोयला डिपो का स्थानीय लोग कई दिनों से विरोध कर रहे थे। इसी क्रम में आज भाजपा पार्षद नंदलाल चौहान के नेतृत्व में अनोखा प्रदर्शन किया गया। जीटी रोड व हाईवे के सर्विस रोड के किनारे कच्चा पक्का निर्माण कराकर सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कस गया है। चंदौली लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमणकारियों को स्वतः अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी है। यदि निर्धारित अवधि के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विभाग कार्रवाई करेगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में आने वाला खर्च भी अतिक्रमणकारी से ही वसूला जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएचयू के सिंह द्वार पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदू हॉस्टल छात्रावास के 10 छात्रों पर लगे गैंगस्टर के मुकदमे के विरुद्ध एकजुट होकर अपना विरोध जताया व सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन छात्रों पर पिछले वर्ष मई के महीने में मनमोहन चौराहे पर हुए विवाद को लेकर योगी सरकार द्वारा गैंगस्टर जैसे आपराधिक मुकदमे दर्ज कर उन्हें व उनके परिजनों को परेशान कर रही है, जबकि अधिकतर छात्र मौके वारदात व घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे, ऐसा उनका कहना है। वहाँ पे नागरिकों में और छात्रों के बीच थोड़ा बीच बवाल होता है, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इन निर्दोष छात्रों को उठाते और उनको जेल में बंद करते, उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं। और लगभग 1 वर्ष बीत चुके हैं, इस कोरोना वेव में भी उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को,
बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा उनके घर पर दबिश दी जा रही है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। 9 जून को फूलपुर थाना क्षेत्र में पीएनबी बैंक शाखा करखियाओं थाना फूलपुर जनपद वाराणसी के बैंक मैनेजर फूलचंद राम निवासी ग्राम कुसिया थाना क्षेत्र जलालपुर जनपद जौनपुर की स्कॉर्पियो सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में बैंक मैनेजर की गोली मारने वाले 50,000 के नामिया शार्प शूटर और एक 25,000 के नामिया बदमाश को वाराणसी देहात पुलिस और वाराणसी क्राइम टीम और गाजीपुर क्राइम टीम ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उसी के अनुक्रम में जो 3 अपराधी जो अभी बचे हुए थे, सतपाल, राजू पंडित और धीरेन्द्र, उसमें से आज सतपाल और जो राजू पंडित है उनकी गिरफ्तारी हुई है। राजू पंडित वही मेन शख्स है जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी और पैसे का बैग लेके यही भागा था। इसके पास से लगभग 12.5 लाख रुपया जो है कैश बरामद हुआ है, जो उसी बैंक का है जिसमें बैंक की पीएनबी की जो पर्चियाँ हैं वो भी लगी हुई हैं। साथ ही साथ जो कुछ ये बैंक मैनेजर साहब का एटीएम कार्ड, आई कार्ड लेके भी चले गए थे, क्योंकि इनको ये था कि हम जो है एटीएम से कुछ पैसा शायद हम लोग और निकाल लें, तो उसमें लेकिन हालांकि सफल नहीं हो पाए, उससे इनकी बरामदगी हुई है। अभी एक इनका साथी धीरेन्द्र जो है वो अभी उसकी गिरफ्तारी शेष है, उसकी भी जल्दी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी और जो शेष पैसा है वो भी उससे रिकवर किया जाएगा। रोजगार, पढ़ाई लिखाई या अन्य कारणों से विदेश जाने वालों के लिए कोविशील्ड की दोनों डोज की अनिवार्यता को देखते हुए शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गाकुंड में अंतर्राष्ट्रीय यात्री टीकाकरण बूथ बनाया गया है। सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह ने बताया कि जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, 28 दिन का समय पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरी डोज की अवधि 84 दिन से पहले विदेश यात्रा करनी पड़ रही हो तो ऐसे नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री टीकाकरण बूथ CHC दुर्गाकुंड में बनाया गया है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के विकास कार्यों की समीक्षा की। आयुक्त सभागार में वाराणसी में कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ईशा दुहन सहित विभिन्न विभाग के उच्च अधिकारियों ने सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने गंगा प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों में जल निगम की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने जल निगम के कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने के लिए कमिश्नर से कहा।